हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल यूनिक फूड्स बाय शशि। आज कुछ ऐसा बनेगा जो वो सारे पकवान मिठाइयाँ बनने के बाद भी सभी त्योहारों में बनना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि ये सभी की पसंद होती है और ये परंपरा भी है कि इसे हम त्यौहार में ज़रूर से बनाते हैं। आज हम बनाने वाले हैं मालपुआ, लेकिन हम बनाएंगे हमारे तरीके से। आप अपने तरीके से हर बार बनाते हैं, एक बार हमारे तरीके से ज़रूर बनाइएगा। बहुत ज़्यादा टेस्टी लगने वाला है, क्रिस्पी भी है, सॉफ्ट भी है, हर तरह का आपको इसमें स्वाद मिलने वाला है। इसके लिए हमने ले लिया है 1.5 कप मैदा और 1 कप ले लिया हमने सूजी, और उसमें हम डाल रहे हैं चीनी। चीनी आप अपने स्वाद अनुसार डालिएगा। ऊपर से डालेंगे कुटी हुई इलायची, थोड़े से डाल रहे हैं हम इसमें चिरौंजी। साथ ही ऐड कर लेते हैं कुछ और ड्राई फ्रूट्स जैसे कि नारियल और काजू। इनको आपस में मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें एक खास चीज़ मिलाएंगे जिससे इसका टेस्ट दुगना होने वाला है। हम मिला रहे हैं 1 पैकेट 10 रुपए वाली मिल्क पाउडर, और इसको दूध डाल देंगे 1 कटोरी हम ठंडा मलाई वाला। साथ ही थोड़ा सा पानी ऐड करके इसका एक थिक सट पेस्ट तैयार कर लेना है। बहुत पतला नहीं रखना है, बहुत डार्क नहीं रखना है। देख लीजिए कंसिस्टेंसी कुछ ऐसी होनी चाहिए, और इसके बाद इसको 10 मिनट तक हम सोक करने देंगे ताकि हमारी सूजी अच्छे से फूल जाए। इसमें किसी तरह का कुछ सोडा या इनो मिक्स नहीं करना है, और बस एक कलछुल की हेल्प से आप इसको अपने पैन में डालते जाइए। घी गर्म होने के बाद इसके फ्लेम को हमें मीडियम टू लो कर देना है, क्योंकि इन्हें हमें धीमे आंच पे ही पकाना है। देखिए तेल में डालने पे फूलने भी लग जाते हैं। उलट पलट के इन्हें 4 से 5 मिनट में हम कुक कर लेंगे। किनारे का भाग इसका काफ़ी क्रिस्पी हो जाता है और बीच का रहता है सॉफ्ट। आप चाहें तो इसको ऐसे ही बिना चाशनी में डुबोए खा सकते हैं, वैसे भी अच्छा लगेगा, बट हम इसको पूरी पारंपरिक तरीके से बना रहे हैं तो इसको हम चाशनी में भी डुबो देते हैं ताकि इनका स्वाद और बढ़ जाए। तो अगर आपको क्रिस्पी खाना है तो आप ड्राई खा सकते हैं, और अगर आपको खाना है सॉफ्ट तो आप उसको चाशनी में डाल के पारंपरिक मालपुआ बना के खाइए। 1 कटोरी पानी में 1 कटोरी चीनी डाल लिया है हमने, साथ ही इसमें ऐड कर रहे हैं थोड़ा सा फूड कलर, ये ऑप्शनल है आपके लिए। और इसको पकने देंगे हम 3 से 4 मिनट के लिए, और उसके बाद इसको हम गैस की फ्लेम को बंद करके 50% तक हमें इसे ठंडा कर लेना है। एकदम गर्म में हमें नहीं डालना है मालपुए, नहीं तो वो पूरी तरह से गल जाएंगे। देखिए 10 मिनट हो गया, हमारी चाशनी थोड़ी ठंडी हो चुकी है। अब इसको हम इसमें डाल देंगे, और इसको उलट पलट करके हमें इसमें 15-20 मिनट के लिए और छोड़ देना है। तो सारी ही मालपुओ को हम ऐसे उलट पलट के इसमें रखते जाएंगे, ऐसे इसका सीरा इसमें सोख लेगा, थोड़ी सॉफ्ट हो जाएगी, थोड़ा मीठा भी बढ़ जाएगा इसका। ऐसे करके हम निकाल लेते हैं सारे के सारे पुओ को। तो जितने भी हमने बनाए हैं उन सबको ऐसे ही हमें निकाल लेना है अलग से। देखिए बाकी भी सारे जितने बनाए हैं सबको ऐसे हम डिप करके निकाल लेंगे। चाशनी बहुत पतली नहीं होनी चाहिए, इसका ध्यान रखना है। वाटरी चाशनी नहीं चाहिए इसमें, थोड़ी सी 2-3 तार वाली चाशनी चाहिए, और उसके बाद से इनको हम सर्व कर लेते हैं। तो देखिए दिखने में कितनी लजीज लग रही है ये, बिल्कुल चाशनी में डूबी हुई गर्मा गर्म मालपुआ रेडी है। होली के त्यौहार में बनाइए, दिवाली में बनाइए, नॉर्मल दिनों में बनाइए, खाइए। बढ़िया मिठाई है ये, घर में बन जाती है आसानी से, बच्चों बड़ों सभी को पसंद आती है। रेसिपी पसंद आई होगी तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी ऐसी इंटरेस्टिंग नई और मजेदार रेसिपी के साथ। तब तक खाते पीते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच।